Today I'll discuss about electrostatic potential and capacitance. This is chapter 2 of physics, class 12. So now very first topic is work done in electric field for conservative nature of force. So you know already about conservative force. Conservative force like gravitational force, electrostatic force is also conservative force, एंड स्प्रिंग फोर्स ई टी सी. तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स है. तो इसमें देखते हैं कि वर्क जो है वो किस तरह से कंजर्व्ड है. तो हम यहाँ पे डिस्कस करें, एक डायग्राम देखो यहाँ पे लिए हम. इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और ओरिजिन पे एक सोर्स चार्ज को रख दिए. तो यहाँ से क्या होगा, किस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होगा चारों तरफ. तो इन्फ्लुएंस्ड होगा तो उसमें से दो लाइन को हम कंसिडर कर लें कुछ इस टाइप से समझने के लिए. तो यदि हम इस पॉइंट पे देखो ए कंसीडर किए हैं, यदि हम इस टेस्ट चार्ज को एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखें जिसका वैल्यू 1 कूलम ले लें, यदि ये टेस्ट चार्ज सी तक जाना चाहे, यदि हम इसको यहाँ से ए से सी तक ले जाएं, तो कितने पाथ को फॉलो करेगा. एक पाथ हो सकता है इसका ए बी सी, ऐसे ए बी सी जाएगा, ऐसे जा सकता है, या फिर ए डी सी जा सकता है, या फिर बीच से ऐसे जा सकता है, शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है, इस तरह से जा सकता है. तो तीनों ही कंडीशन में आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वर्क जो है सो हर एक कंडीशन में इक्वल मिलेगा. यदि इक्वल मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ एनर्जी. कंजर्वेटिव नेचर है यहाँ पे. यहाँ पे तो फोर्स ही जनरेट होगा, तो फोर्स जनरेट होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको क्या करेगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण इस पर क्या जनरेट हो जाएगा, हमारा एनर्जी डेवलप हो जाएगा. क्यों, ये कैसे होता है, एनर्जी कैसे डेवलप होता है? तो देखो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किस पर लग रहा है, टेस्ट चार्ज पे लग रहा है. तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो फोर्स हमको क्या मिल जाएगा, क्यू जीरो ई, इसके बराबर मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज द टेस्ट चार्ज. तो ये हमको फोर्स मिल गया क्यू जीरो ई. इस पर रिपेल मतलब कम रिपल्सिव फोर्स के कारण इसको तो धक्का देगा ही. तो हमारा कंडीशन ये है कि यदि ये इस ट्रैक को फॉलो करता है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इस जगह पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो है सो 0 डिग्री बन रहा है, बिकॉज इट दिस वन इज द पैरेलल. ये फील्ड जो इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो फील्ड के लाइन में ही यदि चार्ज मूव करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज बोथ आर पैरेलल, सो वी कैन से दिस देयर विल एंगल विल बी 0 डिग्री. तो देखते हैं इस पॉइंट से मतलब ए पॉइंट से सी तक यदि जाता है तो वर्क डन क्या होगा. तो वर्क डन फाइंड करने का तरीका क्या है हमारा, देखो वर्क इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो कितना पाथ देख रहा है, ए टू बी पहले जाएगा यहाँ से यहाँ, तो वर्क डन फॉर ए बी, एंड यहाँ से बी टू सी, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन फॉर बी सी. ठीक है, तो दोनों के लिए हम लोग वर्क फाइंड करेंगे. तो देखो फोर्स तो यहाँ निकाल चुके हैं, एफ इजिक्वल्स टू यहाँ से जो भी निकलेगा फोर्स तो यही निकलेगा, एफ इजिक्वल्स टू क्यू जीरो ई. और यदि हम वर्क निकालना चाहें तो वर्क हमको मिल जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यदि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर मान लें तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर के बराबर हो जाएगा, एफ डॉट आर, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ ए डी कॉस थीटा हम लोग वर्क निकालते हैं ना, तो एफ आर कॉस थीटा हो जाएगा. तो हम लोग इस जगह पे देखते हैं वर्क, तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है. तो यदि देखें तो इस जगह पे क्या हो रहा है कि हम लोग जानते हैं इसका वर्क का फॉर्मूला कि एफ डॉट आर, इसको यदि तुम तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एफ आर कॉस थीटा. अब कॉस थीटा के जगह एंगल का वैल्यू पुट करना है, तो यदि यहाँ से ए टू बी जाएगा तो हमको एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, मतलब कॉस 90 विल बी जीरो, तो ए बी तो हमारा वर्क डायरेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया. अब सिर्फ किसका बचा, डब्ल्यू बी सी. अब डब्ल्यू बी सी का वर्क क्या होगा उसको हमको फाइंड करना है. तो डब्ल्यू बी सी के जगह पे थीटा जो है सो हमको 0 डिग्री मिल रहा है. तो ऐसे कंडीशन में देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या रिजल्ट आता है. सो अब यदि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो देखो डब्ल्यू बी सी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू, या डायरेक्ट जो यहाँ पे निकालें वही पुट करते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू वी नो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो लिखो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, आर. हम यदि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, इस जगह से इस जगह का रेडियस आर मान लें, ठीक है, तो इतना आएगा, मतलब ए पॉइंट के लिए आर ए हो जाएगा, और बी पॉइंट के लिए आर बी हो जाएगा, और सी पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक आर सी हो जाएगा, और डी के लिए आर डी हो जाएगा. मतलब बेस में डी लगा दो, सबका डिस्टेंस आर ही है, आर मतलब उसका बेस से पता चल रहा है कि उसका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 2, 4 जो भी हो, ठीक है. तो ए हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर इन डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है. तो हमको मिल गया द वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट आर. अब यदि हम बोलें कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बहुत ही छोटा है, यहाँ से इस पॉइंट तक जा रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, मतलब डी आर के बराबर है, वेरी स्मॉल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क भी छोटा हो जाएगा यदि डिस्प्लेसमेंट छोटा है. तो यहाँ पे हमारा जो वर्क होगा इस जगह पे हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर लिखेंगे, क्योंकि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज
यदि छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा एफ डॉट डी आर आएगा, और यदि इस डी आर को हम हटाएंगे मतलब इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो लिख सकते हैं इसको क्या चीज़, एफ डी आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या होगा 0 डिग्री, वहाँ पे पैरेलल दोनों जा रहा है मतलब बी टू सी जो है सो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एफ डी आर दिस वन, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर है। लेकिन वर्क टोटल हमको निकालना है, तो वर्क टोटल निकालने के लिए हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हैं कि टोटल वर्क निकालना होता है तो लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन साइड इधर दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये डी डब्ल्यू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ डॉट डॉट नहीं एफ डी आर ओनली लिखो। इतना फोर्स का वैल्यू तो हम लोग यहाँ से निकाल चुके थे, ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई ये वाला टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम लोग कि हियर हो जाएगा क्यू नॉट ई डी आर, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट चैप्टर में ही, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 pi epsilon naught क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या निकल रहा है, क्यू जीरो कांस्टेंट टर्म है बाहर कर दो, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दें के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज है क्यू यहाँ पे, ठीक है आर स्क्वायर, क्योंकि इसी के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है हमारा, इतना इंटू डी आर। अब देखो ये भी कॉन्स्टेंट, ये तो बदलने वाला है नहीं, तो इसको क्या करो आउट करो, तो कर लेते हैं क्यू जीरो के बाहर, क्यू जीरो बाहर, क्यू बाहर, तो क्या अंदर बचा 1/r² इंटू डी आर बचा। अब क्या करो एक के क्यू जीरो क्यू, अब इसका इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा r-2 इंटू डी आर, इतना, और आगे इसको कैलकुलेट करो, तो और आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो ये आर स्क्वायर r2-2 इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इस टर्म का, तो इस टर्म का क्या आ जाएगा, पहले इधर लेफ्ट साइड वाला लिख लो, इधर क्या वर्क इज इक्वल्स टू ए के क्यू जीरो क्यू, के क्यू जीरो क्यू, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, हम लोग जानते हैं पावर जुड़ जाता है, तो -2 + 1 डिवाइड बाई जो पावर में वही लिखा था नीचे -2 + 1, ठीक है ये चीज़ आया। तो कहाँ से कहाँ तक के लिए फाइंड कर रहे हैं, बी टू सी, तो बी टू सी तो यहाँ लगा सकते हैं हम लोग लिमिट, कहाँ से बी टू सी, इस जगह पे बी टू सी लगा सकते हो, बी टू सी, ठीक है लिमिट लगा दी बी टू सी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, के क्यू जीरो क्यू, और इसका मिल जाएगा आपको -2 में मतलब -1 हो जाएगा डिवाइड बाय -1, कुछ इतना आया, मतलब आपको जो वर्क मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, देखो ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस आउटसाइड के क्यू जीरो क्यू, और ये कितना हो जाएगा r⁻⁻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 ⁻
इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे माइनस के क्यू जीरो क्यू सॉरी क्यू वन बाई, अब ये सी का मतलब है यहाँ पे, सी का मतलब है आर सी और बी का मतलब है, बी का मतलब है आर बी, डिस्टेंस है ये। तो हम यहाँ पे पहले सी पुट करेंगे तो क्या होगा आर सी माइनस वन अपॉन आर बी, ये हमको क्या मिल गया वर्क मिल गया। अब ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, ठीक है। यदि तुम पॉजिटिव में लिखना चाहो तो साइन को चेंज कर दो, आर बी को पहले लिख दो आर सी को बाद में लिख दो, तो पॉजिटिव में आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो ये वर्क हमको मिल गया तुमको यहाँ से, यहाँ से इस जगह से मतलब ए से सी तक जाने में हमको वर्क कितना लगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ए टू डी जाएगा इधर देखो, ए टू डी और फिर डी से सी जाएगा दूसरा ट्रैक से, पहला ट्रैक से जब हम कैलकुलेट किए तो हमको कुछ इतना मिला। और वही चीज़ यदि हम जाना चाहें इधर से ए टू सी जाना चाहें इस रास्ता से डी को होते हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लिए थे फोर ए बी सी, अब यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको फोर ए डी सी, और ए डी सी में भी जो आपका रिजल्ट आएगा वर्क का वो भी सेम आएगा, बट डिस्टेंस क्या होगा, जहाँ पे हम सी लिखे हैं जिस जगह पे हम सी लिखे हैं उस जगह पे क्या होगा सी ही रहेगा, लेकिन जहाँ बी है वहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, इसके पीछे रीज़न है, देखो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ए टू डी जो हमको वर्क मिलेगा वही हमको मिलेगा बी टू सी, बिकॉज दिस वन डिस्टेंस एंड दिस वन डिस्टेंस बोथ आर सेम, ठीक है। बट ए वाला देखो यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया था, तो डी टू सी जो जाएगा वर्क मतलब इस पाथ से जब जाएगा ए टू सी जाएगा तो ए टू बी तो मिलेगा, ए टू डी मिलेगा, लेकिन डी टू सी तो फिर वही 90 डिग्री हो गया, तो वर्क मेरा क्या हो जाएगा जीरो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि यदि ए टू सी जाते हैं तब भी वही वर्क मिलता है, और ए टू डी होते हुए सी जाते हैं फिर भी वर्क हमको वही मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि वर्क इज़ कंजर्व्ड, ऐसे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क भी जो है वो कंजर्व्ड है। और हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड ये नहीं करता है किसी भी तरीके से, यदि यहाँ से हम इसे शॉर्टकट डिस्टेंस से सी तक जाएंगे तब भी हमको वर्क जो है सो सेम ही मिलेगा।
ठीक है, तो वी कैन से वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, आई मीन फॉर कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा आप रिमेम्बर रखना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मिला, आप चाहते तो इसको यदि वर्क को लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, यदि वन टू हम मानते डिस्टेंस को तब क्या लिखते कि वर्क इज इक्वल्स टू के क्यू जीरो क्यू इतना, ठीक है, और डिवाइड बाय वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू कर देते, तो आर टू माइनस आर वन होता है इसका, इस टाइप से आर टू माइनस आर वन कर देते। यदि हम जहाँ पे हम लिए हैं क्या चीज़ सी लिए हैं वहाँ पे टू मान लेते, और जहाँ पे बी लिए हैं वहाँ पे वन मान लेते, इस टाइप से हम लोग लिख सकते थे आर टू माइनस आर वन, ठीक है। लेकिन खैर इसका बहुत आगे यूज़ होगा, ये तो बस स्टार्टिंग है, समझाने के लिए बस इतना हम आपको बताए। तो इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो क्लास टेंथ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है हमको इस चैप्टर के लिए। इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान जाएंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस जान जाएंगे, तब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। ये तो हमारा क्या है, ये तो सिर्फ वर्क निकालने का तरीका सिखा है यहाँ पे, आपको सिर्फ वर्क निकालने के लिए सिखा, वो भी किसके लिए, फॉर कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स के लिए। अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखना है कि क्या कैसे रिजल्ट आता है और क्या इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। वर्क तो निकाल चुके हैं, वर्क जैसे भी हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन वर्क निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो देखो, हम यदि बोलें कि एक ऐसा डायग्राम कुछ वही चार्ज है, एक सोर्स चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, और ये सोर्स चार्ज जो है अपने अराउंड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये चारों तरफ बनाएगा, तो किसी एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेंगे, मान लो ये इसका जो इन्फ्लुएंस वो इन्फाइनिट तक जा रहा है, इन्फाइनिट तक जा रहा है, और इस इन्फिनिटी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है हमारा, इन्फिनिटी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं जहाँ तक इस चार्ज को हमको लाना है। एक्चुअली अपना इन्फ्लुएंस क्या करेगा, उस रिपल्सिव फोर्स लगा करके तो वहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक गया है। तो क्या ये यदि अपना वर्क डन तो ये कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, यदि रिपेल करते करते इस चार्ज को धक्का देते देते उधर ले जा रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव वर्क। बट इस चार्ज पर हम यदि एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, तो वो जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बिकॉज हम लोग इसको अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस साइड, और यदि उसके अपोजिट में रिपेल कर रहा है, तो उसके अपोजिट में हम यदि इसको खींच के लाएँ, इधर लाएंगे, तो जो वहाँ फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, और एक्सटर्नल फोर्स जो होगा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई के बराबर, ठीक है। क्यू इंटू ई के बराबर मतलब क्यू जीरो, हाँ ठीक है, क्यू इंटू ई के बराबर होगा, ठीक। तो ये चीज़ मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होता क्या है। तो देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो हम वर्क करते हैं, 100% जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही। तो मान लो कि यहाँ से बहुत ही छोटा डिस्टेंस, हम बहुत बड़ा दिखा दिए, मान लो बहुत छोटा डिस्टेंस है इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट तक लाने में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी डिस्टेंस मान लो आर है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हम लोग बहुत छोटा डिस्टेंस डी आर मान लें, ठीक है, कि डी आर डिस्टेंस को इसको ट्रेवल कराना है। तो वर्क जो यहाँ पे होगा, वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क जो यहाँ होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। लेकिन वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हमारा क्या रिलेशन आएगा, वो चीज़ को समझना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को जानना है कि जो हम लोग टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन होता है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब जिस चार्ज पर हम वर्क कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या तो ऐसे बोलो, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जैसे हम लोग इसको क्लास टेंथ में भी पढ़े थे इस टाइप से, भले आप माइंड में नहीं हो अलग बात है। तो जब ऐसे बोलो कि जब इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को हम किसी पॉइंट तक लाते हैं तो वहाँ पे वर्क करते हैं, और वर्क किस पे कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज पे कर रहे हैं, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। यदि ऐसा होता है फॉर इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये हमेशा माइंड में रखना। तो वर्क जो है हमको क्या मिला था, इसके पहले भी आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क निकाले थे हम लोग, ये निकाले थे एफ डॉट डी आर निकाले थे इस जगह पे। तो आप चाहो तो इसको भी रख सकते हो वर्क की जगह पे, क्यू जीरो इंटू
ई डॉट डी आर, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ज़ीरो ई डी आर, इतना लिख सकते हैं। और डिवाइड बाय क्या है, टेस्ट चार्ज तो है, टेस्ट चार्ज तो क्या मिलेगा हमको उससे देख लो, एक क्यू ज़ीरो बाहर जाएगा तो क्यू ज़ीरो आउट कर दो तो अंदर में क्या मिलेगा, ई डॉट डी आर डिवाइड बाई क्यू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो गोइंग टू कैंसिल, सो रिजल्ट विल बी ई इंटू डी आर। ये चीज़ मिला इंटीग्रल साइन, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको जो मिला वो क्या मिला, ई डॉट डी आर के बराबर। ठीक है, आप इसको और आगे यदि कैलकुलेट करना चाहो तो आपको रिजल्ट कुछ और भी मिलेगा, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल इतना मान के चलते हैं कि हमको क्या मिला, टेस्ट चार्ज तो कैंसिल हो गया तो तुमको मिल गया ई डॉट डी आर के बराबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द ई डॉट डी आर। लेकिन साइन क्या होगा उसके पीछे का थोड़ा फंडा यहाँ पे कुछ है, देख लो, वर्क इज इक्वल टू, इस जगह पे हम कैलकुलेट कर देता हूँ आपको, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डी आर लिखेंगे, एफ डॉट डी आर डिवाइड बाय क्यू ज़ीरो, अब फोर्स का वैल्यू होता है क्यू ज़ीरो ई इंटू डी आर डिवाइड बाय क्यू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो क्यू ज़ीरो गोइंग टू कैंसिल तो क्या बचा ई डॉट डी आर। लेकिन जो यहाँ फोर्स हो रहा है वो कैसा फोर्स हो रहा है, नेगेटिव फोर्स हो रहा है बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग देयर, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो हमको यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा फोर्स की जगह, यदि यहाँ नेगेटिव लगेगा तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हर एक जगह पे क्या हो जाएगा साइन मेरा नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड बाई वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, बोथ आर इन वेक्टर फॉर्म। ओके, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, आप यदि इसको कैलकुलेट करोगे आगे तक तो आपको कुछ इस टाइप से ही रिलेशन मिलने वाला है, जो आपको यहाँ पे आगे मिलेगा वन बाई आर टू माइनस, या तो वन बाई आर वन माइनस आर टू लिखो या तो वन बाई आर टू माइनस आर वन लिखोगे, किसी कंडीशन में आपको पॉजिटिव आएगा किसी कंडीशन में नेगेटिव आएगा, मतलब कब आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव वो देखते हैं। मान लो इसका लिमिट है आर वन से आर टू है, ठीक है, तो 100% जो हमको यहाँ पे रिलेशन आएगा, इस जगह पे जो रिलेशन आएगा कैसे है कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, देखो हम लोग कैलकुलेट यदि इसको करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा सो देख लो, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन है रहने दो। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इतना होगा। अब के को बाहर कर दो, के बाहर हो गया माइनस के आउट, के क्यू भी बाहर कर दो क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट है, हमको क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर, इतना मिला। अब इसको और कैलकुलेट करो, माइनस के क्यू आउटसाइड इज इक्वल्स टू दिस, मतलब हमारा भी किस टू निकल रहा है इतना। अब अंदर में करते हैं कैलकुलेट तो क्या मिलेगा, आर टू द पावर माइनस टू इंटू डी आर, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस के क्यू और डिवाइड बाई वन बाई आर, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेगा वन बाई आर बिकॉज माइनस टू प्लस वन अभी कैलकुलेट वहाँ किए थे पहले, इतना मिलेगा। और यहाँ लिमिट हो जाएगा, हम लिमिट लिए हैं कहाँ से कहाँ तक, आर वन से आर टू तक, तो ये हो जाएगा आर वन टू आर टू आर वन टू आर टू। तो क्या मिला रिजल्ट आपको देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करने से ये मिलेगा माइनस के क्यू, ये मिल जाएगा आपको आर वन टू आर टू, मतलब आर टू माइनस आर वन ऐसे पुट करेंगे। यदि आपको इस माइनस साइन को हटाना है तो क्या करोगे, के क्यू और इसका इसको चेंज कर दो, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू कर दो, तो ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये चीज़ मिला। ठीक है, तो दिस वन इज द बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चीज़ निकल गया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालोगे तो आपको यही मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, यदि हम इस आर वन आर टू को ना मान के हम यदि किसी एक को इन्फिनिटी मान लें, यदि किसी एक पॉइंट को इन्फिनिटी मान लें, मान लो इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं कि आर टू जो है, आर वन तो यहाँ से यहाँ तक है, मान लो आर वन यहाँ से यहाँ तक, आर टू यहाँ से यहाँ तक है, तो आर टू यदि हमारा इन्फिनिटी होता, वी इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाय वन बाय क्या था, आर वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी, बिकॉज आर टू को इन्फिनिटी मान ली, वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वी इज इक्वल टू के क्यू इंटू वन बाई आर, इतना मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मिला हमको मिला के क्यू बाई आर के बराबर, आर वन लिखो या आर वन ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं, के क्यू डिवाइड बाई आर वन इसके बराबर मिला। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपको मिला वो मिल गया के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस, ये चीज़, मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे आएगा ये आर ही आर वन माने जिसको हम लोग, वो आर ही मान के चलो तो आर के बराबर हो जाएगा, मतलब आर वन की जगह हम आर मान लिए। तो ऐसे में क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली आर पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मतलब सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल आपका बढ़ेगा। जैसे हम लोग क्या है ना कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का ही बात करें, जो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, तो वहाँ पर क्या रीड किए थे, खैर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी का हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कब बढ़ता है,
जितना तुम ऊपर जाओगे, अर्थ से जितना ऊपर जाओगे, डिस्टेंस जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा, डिस्टेंस जितना ऊपर जाएगा वो तो एनर्जी मेरा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है, पोटेंशियल जो है, देखो इसका पोटेंशियल, ये यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल इस जगह पे कुछ होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल मिलेगा। क्यों? पीछे इसका रीज़न है कि इसको, इस चार्ज को हम जितना दूर तक लाएंगे, इधर जितना दूर तक लाएंगे मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहे हैं, इसको हम पकड़ के इन्फिनिटी से ला रहे हैं इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक लाए, यहाँ से इस पॉइंट तक हम यदि लाए इसको, तो इसका डिस्टेंस आर था, और यदि और दूर जलाते, दूर ले जाते तो इसका पोटेंशियल और बढ़ जाता। मतलब कंडीशन ये है कि इसका डिस्टेंस जितना तुम घटाओगे सोर्स चार्ज से, मतलब सोर्स चार्ज के जितना करीब जाओगे तो इसका डिस्टेंस घटेगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब तुम इस इन्फिनिटी से जितना दूर, जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, सो वी कैन से ये इफ़ डिस्टेंस विल बी लेस फ्रॉम द सोर्स टू पॉइंट, देन पोटेंशियल विल बी इंक्रीज। ये डिस्टेंस तुम जितना जितना करीब लाओगे इस इन्फिनिटी से, टेस्ट चार्ज को जितना करीब लाओगे सोर्स के करीब, उतना ही ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दिस इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ग्राफ पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यही होता था। लेकिन पोटेंशियल का सिर्फ आर है नीचे, सिर्फ नीचे आ रहे, ग्राफ हम लोग पढ़े थे कुछ इस टाइप से ऐसे, तो इसका भी ग्राफ जो है सो सेम होगा इसी टाइप से, बिकॉज वहाँ पे लिखते थे वो, इधर लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लिखते थे आर स्क्वायर, लेकिन इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए ग्राफ जब बनाओगे तो इधर लिखना पड़ेगा वी, और इधर लिखना पड़ेगा आर ओनली, और ऐसे इन्वर्सली, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस टाइप से ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, मतलब आर घटाओगे तो वी बढ़ेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें तो उसमें भी हमारा कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जहाँ पे इन्फिनिटी है, देखो इन्फिनिटी, उस जगह पे इन्फिनिटी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करोगे तो दो पॉइंट के लिए फाइंड करोगे। मान लो, देखो हम समझाते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लो इस जगह सोर्स चार्ज है हमारा, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। अब ये इन्फ्लुएंस है चारों तरफ इस टाइप से, तो अभी हम डिस्कस किए कि यहाँ पे इन्फिनिटी है, इस जगह से कोई चार्ज को हम इस पॉइंट तक ला रहे हैं, पी पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है आर है, तो हम अब क्या करना पड़ेगा, इसको आर वन मानना पड़ेगा, और एक पॉइंट किधर कहीं और कंसिडर कर लेना पड़ेगा जो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को आर टू मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी रीजन इस टाइप से है, तो ऐसे भी तो मान सकते हैं कि यहाँ इन्फिनिटी इस टाइप से आ रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की जगह दोनों पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो दोनों जगह इसका पोटेंशियल मान लो वी वन मिला, और इसका पोटेंशियल जो मिला वो वी टू मिला, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंस मिलेगा। तो यदि वी वन का पोटेंशियल हम यहाँ लिखें, वी वन इज इक्वल टू के क्यू बाय आर वन होगा, और वी टू का पोटेंशियल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, के क्यू टू बाय आर टू मिलेगा। ऐसा अब दोनों का जब डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वी वन माइनस वी टू यदि करते हो, तुम वी वन माइनस वी टू करते हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, के क्यू बाय एक ही चार्ज तो है, क्यू बाय आर वन, और वी टू के लिए क्या है, के क्यू डिवाइड बाय आर टू। ऐसा अब देखो कैंसिल, क्या क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ये चीज़ इसमें तुम्हारा क्या होगा कि इन्फिनिटी नहीं रहेगा, तुम यहाँ क्या लिख दोगे, डेल्टा भी। दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। तुम कहीं दो पॉइंट इसी रीजन में कंसिडर कर लो, इसी रीजन में दो पॉइंट को कंसिडर करेंगे, एक को आर वन मान लेंगे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक आर वन डिस्टेंस माने, और यहाँ से यहाँ तक आर टू मान लिए, यहाँ से इन्फिनिटी तो ये पूरा रीजन है, रीजन जो होता है चारों के अराउंड होता है, तो इन्फिनिटी से एक बार टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार यहाँ से यहाँ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ तक का पोटेंशियल अलग मिला, यहाँ का पोटेंशियल अलग मिला, और दोनों वही रीजन में जा रहे हैं, तो दोनों जगह का पोटेंशियल यदि निकालेंगे तो सिर्फ तो आर वन डिस्टेंस ही तो चेंज हो रहा है, बाकी तो चार्ज, टेस्ट चार्ज वही है और चार्ज भी वही है। तो ऐसे कंडीशन में हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हम फाइंड किए उसका रिलेशन क्या था, वी इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर था, ये था। तो सिर्फ आर चेंज हो रहा है, तो एक जगह आर वन लिख दिए, दूसरा जगह आर टू लिख दिए, और दोनों का डिफरेंस हम जानते हैं वी वन माइनस वी टू होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हारा क्या होगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा दोनों के लिए, और डिस्टेंस जो है सो दोनों का ये हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। लेकिन कंडीशन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया, इसे में ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, दोनों का इन्फिनिटी कॉमन आ जाता है, इन्फिनिटी जो दोनों के लिए सेम है, तो इसमें डिस्टेंस डिफरेंट है, इन्फिनिटी हमारे यदि दोनों को तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, मान लो स्टार्टिंग में हम ऐसे बोलते कि एक का वन बाय आर वन माइनस वन बाय इन्फिनिटी है ऐसा, और दूसरा का
वन बाय आर टू माइनस वन बाय इन्फिनिटी है, ऐसा है। तो दोनों को तुम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे कंडीशन में क्या आएगा, देखो ब्रैकेट होगा, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ऐसे ही कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। इसलिए डायरेक्ट आप माइंड में ऐसे रखो कि सिर्फ डिस्टेंस के चेंज होने से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता है, दो पॉइंट के लिए यदि इस तरह से कंसिडर करें तो। तो इन्फिनिटी किस तरह से हट गया, समझ में आया आपको, तो इस टाइप से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो आप इसको खुद भी कैलकुलेट करके देखना। तो हम लोग अभी क्या क्या सीखे, वर्क निकालने का तरीका फाइंड किए, तो वर्क हमारा क्या मिला था, वर्क मिला था सिंपल सा इंटीग्रेशन साइन दो, ई डॉट डी आर के बराबर मिला था, ई डॉट डी आर, यदि क्यू यहाँ पे क्यू ही होगा, लेकिन क्यू का वैल्यू यदि हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 1 कूलम, यदि ऐसा होता है तो हमारा जो वर्क होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल इंटीग्रल साइन ई डॉट डी आर, बस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और अभी एक चीज़ और सीखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो किसके बराबर आया, के क्यू डिवाइड बाय आर के बराबर आया, ठीक है। और नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, जिसमें वी वन माइनस वी टू इज इक्वल्स टू क्या पढ़े, के क्यू सेम रहेगा, बस केवल डिस्टेंस का चेंज होगा, वन बाय आर वन माइनस आर टू, ठीक है। ऐसा इसमें तो एक्चुअली ऐसा पढ़े थे कि के क्यू कॉमन वन बाय आर वन माइनस वन बाय इन्फिनिटी था, ऐसा था, तो इन्फिनिटी तो जीरो होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आर ही मानते हैं, आर मान लिए थे डायरेक्ट, तो क्यू बाय आर आया था, ठीक है। तो हमारा सबसे मेन कंक्लूजन इसमें यह आया कि दिस वन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बना था ना, कि दिस साइड भी, दिस साइड आर, ग्राफ विल बी दिस, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ बोल सकते हैं वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दिस वन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो नाउ दिस इज टुडे लेक्चर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के से रिलेटेड, है ना। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होगा। सो ओके देन, दिस इज द टुडे लेक्चर, ओके देन, थैंक यू।